नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। बटाला के बैरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज के खेल मैदान से रास्ता निकालने के निर्णय पर पंजाब सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज से सड़क निकाले जाने का विरोध कर रहे कॉलेज प्रशासन के लोग और विद्यार्थी अब पंजाब सरकार के इस निर्णय के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर आज बैरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम करवाते हुए मुख्यमंत्री पंजाब का आभार व्यक्त किया गया और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस कार्यक्रम में बैरिंग संस्था के पदाधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी भी मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद करते हुए कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि पंजाब सरकार के इस निर्णय से वो खुश हैं और बटाला के विकास में हर प्रकार से अपना पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज के खेल मैदान के बीच से रास्ता निकाले जाने से कॉलेज ग्राउंड दो हिस्सों में बंट जाती, जिसके कारण इस ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस करने वाले विद्यार्थियों और बाकी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बंद हो जाती। लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे मामले को ध्यान से देखते हुए आखिर में इस प्रोजेक्ट को रोकना ही बेहतर समझा, जिसके लिए हम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब सरकार के आभारी हैं। सबसे पहले तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि खुदा जो भी करता है हमारे लिए अच्छा करता है। ये जो एक एक अशांत एक वातावरण आ गया था होल कॉलेज ग्राउंड में, कॉलेज में, बटाला में, जिसको लेकर लोग बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि डिस्टर्ब थे, तो कैप्टन साहब ने उसका एक आंसर दिया, बहुत पॉजिटिव दिया, आश्वासन दिया और उसको जो है जो भी स्कीम था उसको बंद किया। तो इसमें लोगों का जो कॉन्फिडेंस है सरकार में जरूर में वो बुलंद हुआ है। वहीं दूसरी ओर शुरू से ही कॉलेज से रोड निकाले जाने को लेकर अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे पूर्व कांग्रेसी मंत्री अश्विनी सेखड़ी ने सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी तालिबानी सोच और निजी फायदों को लेकर उनकी जानकारी के बिना ही मनमर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने कॉलेज व छात्रों की मांग मानते हुए कॉलेज ग्राउंड से सड़क निकाले जाने वाले निर्णय पर रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा कॉलेज से सड़क निकालने पर रोक लगाई गई है, लेकिन बटाला के विकास को किसी भी कीमत पर नहीं रोका जाएगा। और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा अगले कुछ ही दिनों में खुद बटाला पहुंचकर सड़क के लिए किसी और जगह का रास्ता निकालेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये फैसला करके कि बैरिंग कॉलेज का दिल चीर के कोई सड़क नहीं कढ़ी जाएगी, आज पंजाब के विद्यार्थियों और नौजवानों अपनी सोच का फिर एक बहुत बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखाया कि चाहे कोई भी सोच जड़ी पंजाब और पंजाब के नौजवानों के खिलाफ है, कोई भी तालिबानी सोच होए, उस सोच को कैप्टन साहब ने नकारा और उन्होंने अज बटाला के लोगों के दिलों की आवाज़ बैरिंग कॉलेज में यह राहत दी बड़ी वीडी कि कोई बैरिंग कॉलेज की प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाएगा, इनू कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगी। सो एक बार फिर कैप्टन साहब ने अपनी सोच पंजाब च दी है कि वो सारे धर्मों इको जहा सोचते हैं, सैकुलर ने सारे वर्गों इको सोचते हैं, चाहे किसी भी वर्ग का इंसान हो, अगर वो जरूरत और आवाज़ सच है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने नाल खड़ोते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।